जय हिंद। आप मैं पहले तो आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो ये पेट्स आप पाल रहे हैं ना, ये आपकी पत्नी का गिफ्ट नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड का गिफ्ट नहीं है, आपके बच्चे के शौक का चीज नहीं है, या तो आपके किसी भी फैमिली मेंबर, अगर वो अकेला रहता है, उसको शौक नहीं है, तो आप उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए इसको नहीं रख सकते। आप जिस तरह से ना एक बेबी को जन्म देने के लिए जैसे फैमिली का आप सेटअप करते हैं कि क्या मैं उसको खिला सकता हूँ, मेरी जॉब इतनी अच्छी है, मेरे पास उतने पैसे हैं, मैं कंफर्ट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, तभी आप अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए उसको धरती पे ला रहे हो। और ये जो बेजुबान है, इसको अगर आप अपने घर में रख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो मत रखिए। कैपेसिटी भी है, लेकिन अगर आप कैरी नहीं कर सकते, अगर आप इसको ध्यान नहीं दे सकते, समय नहीं दे सकते, आप प्रेम नहीं कर सकते इससे, तो आपको इसको रखने का हक नहीं, क्योंकि ये किसी के मनोरंजन का चीज नहीं है, और ना ही ये आपके किसी भी कारण सर कोई ऋणी है कि आप उपकार कर रहे हो इसको रख के कि कुछ हो जाएगा। अगर आप इसको बाहर छोड़ देंगे, जी खा लेगा, 50,000 कुत्ते रोड पे खा के जी रहे वो, इससे अच्छी लाइफ, लेकिन घर के अंदर ही आप पे है ना निर्भर हो जाता है। आप इसकी केयरिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो इसको कितनी तकलीफ होती है। अभी जैसे देखिए कि इन पंजों के अंदर जो है ना कीड़े पड़ जाते हैं, इन पंजों के अंदर, ठीक है, अभी जो कि निकाले हमने, और इसके कारण क्या होगा, जब कीड़े बढ़ जाएंगे ना तो उसको टिक्स फीवर होगा, वो भी एक जानलेवा है, पारवो जैसा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको टिक्स निकालना है, नो टिक्स पाउडर है, बिग बॉक्स पाउडर है, और आप अगर कुछ भी आपके आप कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं इनके लिए, तो आप नीम ऑयल का, उसके साथ कोकोनट ऑयल का उपयोग कर सकते हैं, नो डाउट। अगर फिर भी नहीं कर सकते तो निकाल के फेंक दीजिए, ग्लव्स पहनिए, कोई कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप एक कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं रहता है, आपके पास पैसे नहीं है, आप इसको मत लाइए, ये शौक की चीज नहीं है। अपने बच्चे को थप्पड़ मारिए कि बेटा ये जीव है, इसके साथ ये बदतमीजी नहीं कर सकते। बच्चा बोल रहा है आप ला के दे रहे हो, क्या बात है, ये बच्चा नहीं है, मेरे को बताइए, ये बच्चा नहीं है, अरे ये बच्चा ही है, आप इसकी माँ को इससे अलग करके ला रहे हो, तो आपके बच्चे को भी कोई दूर कर देगा, कह देगा मेरे को तेरे बच्चे का शौक है, तो माफ कीजिए, ये शौक की चीज नहीं है, बहुत बुरा लगता है मुझको। और उसके बाद क्या होता है, जब आप उसको शौक के लिए देंगे ना, जब तक बच्चा, कुछ एनिमल लवर है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जाहिर में वो लोग बोलते हैं मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, और उसको अपने पास रखते हैं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इनकी हाइट 6 महीने में बढ़ जाती है, जैसे ही बड़ा हो जाएगा, वो लोग कहते हैं मेरे घर वाले डर रहे, मेरे माँ बाप डर रहे मेरे, तो ये चीज तो आपको पहले नहीं पता चले, लाने के पहले 6 महीने तक इसके साथ आप प्रेम संबंध बना के, इसके साथ आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, जब ये बच्चा, तब आप इसको ले जाकर रोड पे छोड़ देते हो। देखिए आगे के वीडियो, जर्मन शेफर्ड, लेबराडोर, पामोलियन जैसे बड़े बड़े ब्रीड को हमने ला के रखा है, 4 रास्ते पे बांध के चले गए थे, कीड़े पड़ गए थे उनमें, क्या क्या शौक है आपका। अरे ऐसा कुछ शौक हो ना तो भी बहुत अच्छा, ऐसा क्या टेडी बियर मिलते हैं, लाके अपने बच्चे को दीजिए, उसको ये समझन जरूर दीजिए, उसी को नहीं, अगर आपकी पत्नी मांग रही है, आपकी गर्लफ्रेंड मांग रही है, या आपके घर में कोई बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, तो उसको आप एक बार कहिए कि बेटा ये जो है ना शौक की चीज नहीं है, उसको ये चीज समझाइए, ये आपका काम है, क्योंकि ये पाप लगेगा आपको, ये जितना रोएगा ना आपके घर, उतना आपके बच्चे को, आपके परिवार को रोना पड़ेगा, क्योंकि आपका हक नहीं इसको पाल के इसको दुखी करने का, ये आप पे आश्रित है, इसके भावनात्मक रूप पे देखिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। सर आप लोगों को समझ में आना चाहिए, प्लीज ऐसा ना करें, हाथ जोड़ रहा हूं मैं, तेवर नहीं हो तो मत रखिए, किसी संस्था में दीजिए या आपसे अच्छे किसी परिवार में उसको एडॉप्ट कराइए। बाकी अगर आपको शौक हो रहा है तो रोड के कुत्ते को खिला लो, हफ्ते में भी नहीं तो वो भी करने की जरूरत नहीं, उपकार मत करिए। जय हिंद।